हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टी टाइम स्नैक लेकर आई हूँ जो फटाफट बनकर तैयार हो जाता है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कॉर्नफ्लेक्स का मुरमुरा नमकीन। आइए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इस इजी टेस्टी स्नैक्स को हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 कप मुरमुरा लिया है, आधा कप के करीब हमने कच्ची मूंगफली ली है, आधा कप के करीब हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। ये आराम से आपको पैकेट्स में मार्केट में मिल जाएगा। ये नॉन फ्राइड कॉर्नफ्लेक्स आता है मार्केट में, वो है। तो एक कॉर्नफ्लेक्स आता है जो भुना हुआ होता है, वो हमें नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें चाहिए करी पत्ते, 1 चम्मच के करीब हमें चाहिए राई, 1 से 1.5 चम्मच हमें चाहिए सौंफ, 1.5 से 2 चम्मच के करीब हमें चाहिए सजा धनिया। इसके अलावा अच्छा सा कलर देने के लिए हमें चाहिए हल्दी, तो यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब हल्दी हमने ली है। काला नमक हमें चाहिए, सफ़ेद नमक चाहिए स्वाद के अनुसार। इसके अलावा 2 चम्मच हमें चाहिए पिसी हुई चीनी, 1/2 चम्मच हमें चाहिए अमचूर पाउडर और 2 से 3 हमें चाहिए हरी मिर्च। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर का इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस टेस्टी इजी यमी स्नैक को हम कैसे बनाएंगे। इस इजी टेस्टी स्नैक को बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली डीप फ्राई करेंगे। तो मीडियम हॉट ऑयल में आप मूंगफली को डीप फ्राई कर लें, जब तक कि लाइट ब्राउन नहीं हो जाती तब तक आप इनको फ्राई करें। बहुत ध्यान रखते हुए आप मूंगफली को फ्राई करें, क्योंकि अगर ज़्यादा ये फ्राई हो जाएंगी तो इनमें बिटर टेस्ट आ जाता है, कड़वी हो जाती है और हमारा पूरा नमकीन बनकर ख़राब होगा। तो आप मेहनत भी करेंगे और मेहनत भी ख़राब जाएगी। तो मूंगफली को भुनने में आप खास ध्यान रखें। मैंने आपको एक माइक्रोवेव में भी मूंगफली को भूनने का तरीका दिखाया है, जो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उससे मूंगफली भून सकते हैं, बिना एक बूंद तेल के आप उससे मूंगफली घर में भून सकते हैं आसानी के साथ माइक्रोवेव के अंदर। तो ये देखिए मूंगफली हमारी भुनकर तैयार है। तो इसी तरीके से जो कॉर्नफ्लेक्स हमारा है उसको भी हम तल लेंगे। तो ये देखिए तेल अब हमारा गर्म हो गया है। जब आप एक चीज़ भून कर निकाल लेते हैं, जो तेल होता है वो थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो वापस से आप तेल को गर्म होने दें और उसके बाद आप इसको चिवड़े को तलें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं मैंने इसमें एक जो कॉर्नफ्लेक्स का टुकड़ा है डालकर देख लिया था। अगर ये पफ अप हो रहा है, ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा तेल गर्म हो गया है। तो कुछ सेकंड्स में और वेट करूंगी और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लेक्स। तो ये देखिए तेल अब हमारा गर्म हो चुका है, इसमें मैंने कॉर्नफ्लेक्स डाल दिया है। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें कॉर्नफ्लेक्स डाला वैसे ही तुरंत ये ऊपर आ गया, इसका मतलब कि ये अच्छे से भुन गया है। तो इसको हम तुरंत निकाल लेंगे, बिल्कुल भी हमें वेट नहीं करना है। डालने के बाद जैसे ये पफ अप होगा, 1-2 बार चलाते हुए और बस तुरंत आप इसको निकाल लीजिए। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा देर तक तेल में पड़े रहने देंगे तो इसमें तेल भर जाता है और खाने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। आइए फ्रेंड शुरू करते हैं कॉर्नफ्लेक्स से बना मुरमुरा नमकीन। इसको बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब लिया है मस्टर्ड ऑयल। जब तेल गर्म हो जाएगा तब इसमें हम डाल देंगे राई, और जब राई चटकने लगेगी तब इसमें हम बाकी की चीजें डालेंगे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं राई हमारी चटकने लगी है। अब इसमें हम डाल देंगे सजा धनिया, साथ ही हम इसमें डाल देंगे सौंफ। इन सारी चीजों से जो टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। हरी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, करी पत्ते डाल देंगे हम इसमें, साथ ही हम इसमें डाल देंगे हल्दी। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा हमारे मुरमुरा नमकीन का। तो आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कितना भी डालें। अब ये देखिए इसमें मैंने डाल दिया है मुरमुरा यानी कि पफ्ड राइस। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारा ये मुरमुरा है इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। बाजार से जब आप इसको लाते हैं हल्की सी ये कम कुरकुरी होती है, तब जब आप इसको इस तरह से थोड़ा सा भून लेंगे तो ये और भी ज़्यादा कुरकुरी हो जाती है। तो ये देखिए जो हमने भून कर रखा है, तल कर रखा है अपना ये मूंगफली, और साथ ही हमने कॉर्नफ्लेक्स को जो तलकर रखा है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम इन सारी चीज़ों को हल्का सा 1 से 1.5 मिनट तक रोस्ट करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले। तो ये देखिए सबसे पहले मैं इसमें पिसी हुई शक्कर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है, आप ज़रूर डालें इसमें, इससे ही टेस्ट आता है। तो ये देखिए नमक डाल दिया है मैंने, अमचूर पाउडर डाल दिया है, काला नमक भी हम डाल देंगे। तो काले नमक का और वाइट नमक का जो कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छा लगता है। काला नमक बहुत अच्छा सा एक टेस्ट में एक पंच देता है, तो आप काला नमक ज़रूर यूज़ करें और एकदम से आप वाइट नमक बहुत ज़्यादा ना डालें। तो ये देखिए सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी अगर आपको पिसी शक्कर की गुठलियाँ लग रही हों तो आप उनको तोड़ लें। मैंने इसमें रेड चिली पाउडर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया, आप डाल सकते हैं। तो हमारा ये मुरमुरा नमकीन कॉर्नफ्लेक्स से बना बनकर बिल्कुल तैयार है। आप अपने घर में बनाएं, फटाफट बनकर ये तैयार हो जाता है, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप घर में अपने इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, कमेंट करके मुझे बताएं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। बाय।